बाई टेकिंग सम ऑफ द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट न्यूज इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है मैं उनके हवाले से बात करूंगा और इसके साथ साथ आज के इस केस में भी यानी आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक खूबसूरत केस स्टडी की तरफ भी ले जाऊंगा एंड दिस इज बेसिकली दर्ल्ड बेस्ट और द वर्ल्ड लार्जेस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरह से टेलीविजन चैनल है सी एन एन केबल न्यूज नेटवर्क ओरिजिनेटिंग फ्राम द यूनाइट स्टेट्स मैं उसके वाले से भी आपको एक किस स्टडी के तौर पर लेंगे शुरू हुआ किन मुखे से गुजरता हुआ आज उस फॉर्म के अंदर मौजूद है पर दिस इस वन लीडिंग के हमारे सामने आ रही है हम इस पर भी आपको आज की इस डिस्कशन में ब्रीफ देंगे और इस पर चंद एक ऐसी न्यूज रिपोर्ट के वाले से भी हम डिस्कशन करेंगे दोज विच है बीन पे चैनल पर चलें लेकिन उनको बाद में फिर एक तरह से वापस लेना पड़ा सी को तो वो क्या सूरत हाल थी इसके हवाले से भी हम आज थोड़ा सा आपको ब्रीफ देंगे आप उन चंद वाकत पर भी आज रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जिस रूट मैं आपको लेके जाता हूँ इस वक्त जो ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क्स हैं जो ग्लोबल न्यूज़ एजेंसीज हैं इनफैक्ट जब हम नेटवर्क्स की बात करते हैं तो देन दैट मे इंक्लूड सम ऑफ द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन विच आर आर वेयरिंग नेचर की हो सकती हैं वो टेलीविजन के हाले से भी हो सकती है वो न्यूज़ पेपर्स के वाले से भी हो सकती हैं वो न्यूज एजेंसीज के हवाले से भी हो सकती हैं इनफैक्ट जब हम ग्लोबल न्यूज नेटवर्क्स की बात करते हैं तो अब इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े कांगलोमी आ गए हैं जिसमें इस किस्म की जो तकसीम है वो नहीं रही एक ही न्यूज अम्बरेला uh, uh, एक ही न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के अम्बरेला के अंडर आपको हर किस्म के न्यूज़ वहां पे नजर आती है या हर किस्म की एजेंसीज वहां पे नजर आती हैं यू विल सी द न्यूज़ पेपर्स आर वर्किंग अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके से टेलीविजन के जो बहुत सारे चैनल्स हैं वो भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन रन uh, करती हुई आपको नजर आ रही है न्यूज़ एजेंसीज भी uh, नजर आते हैं कि दीज आर आल्सो बीइंग रन वन ऑर्गेनाइजेशन ये सारे के सारे अंडर वन अम्ब्रेला हो सकता है कि हमें काम करते हुए नजर आए एंड नॉट ओनली दिस बल्कि कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कुछ जो प्रोमोशनल जिस तरह आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं कंसल्टेंसी की ऑर्गेनाइजेशन हैं कैरियर बिल्डिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं दीज आर ऑल्सो वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड्स तो हम हम इसको यकीन इस फॉर्म के अंदर आज के इस लेक्चर में नहीं देख रहे कि जो मेजर कांग्लोमेरेट्स हैं वो कौन सी हैं और उनके अंदर कौन से काम कर रहे हैं इस पर हम अपने पिछले लेक्चर्स में रोशनी डाल चुके हैं मेरा यहाँ पे आज के इस लेक्चर का जो फोकस है जो मैं ग्लोबल आ, आ, न्यूज सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मेरा फोकस आज के इस लेक्चर में मेनली इस पे होगा कि वो कौन सी न्यूज एजेंसीज हैं जो इनफैक्ट न्यूज डिसमिनेट कर रही हैं टू तो वेरियस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो फिर फर्दर उनको रिफाइन करके या अपने एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक उनको फ्रेस करके फिर दुनिया तक पहुंचा रही हैं तो उनके पीछे इनफैक्ट सोर्स जो है वो ये मेजर एजेंसीज हैं दीज आर इनफैक्ट द टेन मेजर एजेंसीज दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू टूडे इनफैक्ट द डिस्कशन इज नॉट एज सच फाइंडिंग एट आउट दैट हाउ डू दे वर्क इनफैक्ट मैं आपको इन एजेंसी को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज के इस लेक्चर में कि वो एजेंसी कौन सी हैं कहां से ओरिजिनेट हो रही है क्या नाम है कब से शुरू हुई है दीज आर समिटेल्स दैट आई वु शेयर विद यू अबाउट दीज न्यूज एजेंसी सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद राइटर्स राइटर्स इन फैक्ट एक यूके uh, बेस्ड uh, बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के तौर पर ली जा सकती है अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये कहान सम फिफ्टी सिक्सटी ईयर्स बैक इसका जो एक स्ट्रक्चर था जिस पर प्राइमरिल बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एंड कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज के मुतालिक रिपोर्ट करना था और आज उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो दैट सीम्स टू बी लीडिंग ऑन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो उनमें सब जगहों पे ये एक लीडर के तौर पर नजर आ रही है चाहे वो पोलिटिकल इन्फॉर्मेशन है चाहे वो सोशल कल्चरल या किसी मुल्क के जो इंटरनल अफेयर्स के हवाले से है तो यू विल सी दैट राइटर इज प्लेंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर तो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी के तौर पर हमें नजर आ रही है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिस यूज टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज प्रोवाइडिंग वेरी अनबायस्ड इंफॉर्मेशन ओवर ऑल काइंड ऑफ पोलिटिकल अफेयर्स और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज पे मिल रही है लेकिन इन द लास्ट जिसे आप कह सकते हैं कि कपल ऑफ डैकेट्स देर हैव बीन एलर्ट मैनी इश्यूज विद दिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल उसकी वजह ये कि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इसमें जो लोग एक तरह से एम्बेड हो गए थे दीज वर प्राइमरली होल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स वो गवर्नमेंट्स का हिस्सा भी थे उनके जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन और प्रॉपर गंडा मिनिस्ट्री का हिस्सा भी थे और साथ साथ दे आर ऑल्सो होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोजीशन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली इसको इस तरह से भी लिया जाने लगा कि जब ब्रिटिश एम्पायर अपने जो उनका रूल था इन डिफरेंट कॉलोनीज उनको परपेचुएट करने के लिए उनको स्ट्रेंथन करने के लिए दे वार इन फैक्ट सपोर्टिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको राइटर कहते हैं ये इंफॉर्मेशन की जो टाइमली ट्रांसमिशन थी उसको पॉसिबल बना रहा था जो ब्रिटिश रूल है उसके मुतालिक एक प्रॉपरगंडा कंपेन भी मुख्तलिफ रीजन के अंदर इस न्यूज एजेंसी ने शुरू कर रखा था और ब्रिटिश जो एम्पायर है उसके मुतालिक जो पॉजिटिव न्यूज थी दैट यूज टू कन्वे टू दीज अंडर डेवलप कंट्रीज विच वर वर्किंग सर्वाइविंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिग ब्रिटिश एंपायर तो एक तरह से एक स्टिग्मा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है कि सम टाइम दिस वॉज इनफैक्ट अंडर द यूज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ब्रिटिश एम्पायर के इस्तेमाल में रही थी और इनके जो मेजर ऑर्गुनाइजेशन uh, जो हेड्स uh, थे दीज वार इनफैक्ट बींग सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके अंदर वो काम करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रूल uh, था उसको अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर परपैचुएट करने में राइटर्स का एक बहुत बड़ा रोल था बट वी हैव टू सी इट कि राइटर जो है वो आज किस फॉर्म के अंदर प्ले कर रही है तो राइटर हमें नज़र ये आता है कि दुनिया की उन चंद मेजर एजेंसीज में से एक है लीडिंग है जो जिसका शेयर जो है वो दुनिया की जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा है राइटर के मुतल एक वक्त था कि जब इसको कंसिडर किया जाता था कि बड़ी अनबायस्ड एक ओपिनियन रखता है और जो इनकी रिपोर्टिंग है वो अनबायस्ड होती है मुख्तलिफ़ पोलिटिकल इवेंट्स के वाले से लेकिन रिसेंटली कुछ जो रिसर्च हुई हैं उसमें इस बात को साबित करने की कोशिश की गई है कि राइटर इज़ अमंग अदर सम ऑफ द अदर लीडिंग न्यूज़ एजेंसीज जिनका इनफैक्ट uh, जो इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स वेरी काइंड वेरियस काइंड ऑफ न्यूज़ या उनकी जो रिपोर्टिंग है उसमें उनकी गवर्नमेंट का और जो लोग इनको कंट्रोल करते हैं uh, उनकी जो विशेज हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं दीज आर इन फैक्ट बिंग रिफ्लेक्टेड आर दीज आर समथिंग विच कैन ईजिली बी ऑब्जर्व इन द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट्स दैट द रटर इज क्रिएटिंग वो वहाँ पर बड़े क्लियरली नजर आ रही है और गवर्नमेंट की जो फॉरन पॉलिसी के जो एलिमेंट्स हैं वो उन रिपोर्ट्स उन रिपोर्ट्स का हिस्सा बन रही हैं तो एक तरह से जो इम्प्रेशन बड़े अरसे चलता आ रहा था राइटर्स के मुताल इसको अब इन प्रजेंट रजीम्स आप देखें कि उसको शायद चैलेंज किया जा रहा है और जो मुख्तलिफ अब इसके पॉलिटिक्स के अलावा अगर आप हट के अगर इसको देखने की कोशिश करें तो जो मुख्तलिफ एफ्लुएंट और बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दे आर आल्सो एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर दी अफेयर्स ऑफ राइटर्स बिकाज के उन वो रिपोर्ट्स जो उनके बिजनेसेस को फायदा दे सके उस किस्म की रिपोर्ट्स को रिलीज करके राइटर्स एक्चुअली उनको भी एट टाइम्स फायदा दे रही होती है तो यह भी देखने में नजर आ रहा है कि बहुत सारे जो पावरफुल बिजनेस टाइकून हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं दे आर ऑल्सो हैविंग सम कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ राइटर्स एंड स्पेशली द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स दैट हैज टू डू समथिंग विद द बिजनेस विद द इंक्रीज एंड विद द काइंड ऑफ यू सी इंफॉर्मेशन दैट आर सपोज टू बी डिसमिनेटेड एंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विच आर नॉट टू बी गिवन टू द मॉस एट ऑल तो उनको रिस्ट्रेन करना उन रिपोर्ट्स को रिलीज करना जो कि किसी बिजनेस को फायदा दे सकें तो यह भी अब नजर आ रहा है कि राइटर इज ऑल्सो इन द कंट्रोल ऑफ सम ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जी डीर्स मैं आपको एक नेक्स्ट न्यूज एजेंसी की तरफ ले जाता हूं जिसको एसोसिएटेड प्रेस कहा जाता है एसोसिएटेड प्रेस इज इनफैक्ट यू एस बेस्ड न्यूज एजेंसी 1846 में स्टैब्लिश हुई थी कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अगेन इन दिस वर्ल्ड और बड़ी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा उसके इंडिपेंडेंट सोर्सेज है जो कि दुनिया के, के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं और इसकी जो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन इन दोवरऑल क्वान्टम ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर अपेयर इन वेरियस मीडिया आउटलेट्स वो बहुत ज्यादा है जो तीन चार मेजर ऑर्गेनाइजेशन जिनके मतलब ये क्लेम किया जाता है कि दीज आर प्रोवाइडिंग मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ द न्यूज़ टू द वेरियस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द वर्ल्ड सेवेंटी परसेंट से ज्यादा न्यूज है वो तीन चार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वन ऑफ इज दी एसोसिएटेड प्रेस है इसके मुताल भी जो ओपिनियन जनरली अवेलेबल है वो ये कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग अनबाइस रिपोर्टिंग ओवर मेजर पोलिटिकल इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ओवर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड एज वेल इसके जो प्लेटफॉर्म है वो बड़े ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट फॉर्मेट्स प्रोवाइड करते हैं चर्स भी प्रोवाइड करते हैं वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा जो न्यूज हैं रिटर्न फॉर्म के अंदर वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं बड़ी फास्ट डिलीवरी इनका मैकेनिज्म है जो चीज कहीं पर दुनिया में हो रही है वो विद इन सेकेंड दैट इज रीचिंग टू द वेरियस मीडिया हाउसेज इन द वर्ल्ड तो एक तरह से इसकी फास्ट डिलीवरी इसकी जो अनबायस नेचर है और जो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स जो कि न्यूज के हवाले से हो सकती है इन सबको ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से है वो दुनिया के अंदर पहुंचा रहा है और जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड मेजर पॉपुलेशन इज मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपोज टू द काइंड ऑफ न्यूज दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय एसोसिएटेड प्रेस तो एक बहुत बड़ा कंट्रोल है और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मीडिया ऑर्गनाइजेशन की पूरी दुनिया के अंदर जो हमें नज़र आ रही है और एसोसिएटेड uh, प्रेस के मुतालिक भी इस किस्म की ऑफ कोर्स uh, अब रिपोर्ट्स uh, हैं या इस किस्म की आप कह सकते हैं कि रिसर्च uh, जो कंडक्ट की गई है उसमें ये बाजहों पर नज़र आ रहा है कि एसोसिएटेड प्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ पुटिंग द थिंग्स ऑन द ट्रैक विच इज़ फॉलोइंग द यू एस फॉरन पॉलिसी तो जो यू एस फॉरन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिवज़्ज हैं वो उन ममालिक के मुतालिक तौर पर जिन ममालिक को अमरीकन गवर्नमेंट एनिमी कंट्रीज डिक्लेयर करती है तो एसोसिएटेड प्रेस की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर वो एलिमेंट्स नजर आते हैं जहां पर उन ममालिक के मुख्य जो रिपोर्ट्स हैं वो समबाइस्ड नहीं होती उसके अंदर अमेरिकन फॉरन पॉलिसी कॉन्टेंट्स किसी हद तक नजर आते हैं जी डी स्टूडेंट्स मैं आपको आगे ले जाता हूं और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसी जिसको ए कहते हैं एजेंसी फ्रांस प्रेस ये एक ग्लोबल न्यूज एजेंसी है विच इज बेस्ड इन पेरिस विच इज बेस्ड इन फ्रांस और ट्वेंटी फोर आवर्स इसकी भी न्यूज़ अवेलेबल हैं ये भी डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर uh, दुनिया को न्यूज़ प्रोवाइड कर रही है इंक्लूडिंग वीडियो क्लिप्स इंक्लूडिंग पिक्चर्स और जो न्यूज़ के फॉर्मेट्स हैं मुख्तलिफ वो नजर आ रहे हैं इट वॉज फाउंडेड समाइम इन एटीन थर्टी फाइव और पहला जो इसका नाम था जिसके टाइटल के साथ ये दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई थी दिस वाज हवास इसका नाम था और फिर बाद में ये एक तरह से एक माउथ पीस ऑफ द फ्रेंच आ, जो गवर्नमेंट है वो बनती है और देन इट वाज नेम्ड एज एफ पी जो एजेंसी फ्रांस प्रेस के तौर पर नजर आती है लेकिन इसके जो ओल्ड नाम है वो हवास था एच ए वी एस जो कि 1835 के अंदर आई एक वाइड रेंज ऑफ जिसे आप कह सकते हैं कि दे हैव द कस्टमर्स दे हैव कस्टमर्स इन द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री दे हैव कस्टमर्स एंड क्लाइंट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री भी तो एफ भी एक बहुत लीडिंग एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड है जो कि 24 फोर आवर्स वेरियस इवेंट्स को कवर करती है अब इसकी जो मुख्तलिफ इसके जो रीजनल सेटअप्स हैं यू कैन लोकेट दैम इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और उन, उन तमाम पार्ट से ये इंफॉर्मेशन इस एजेंसी को कन्वे हो रही हैं इनके हेडकोर्टर में जमा हो रही हैं और फिर उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गनाइजेशन को दुनिया में ये भिजवाई जा रही हैं तो ये भी कभी एक ऐसी एजेंसी के तौर पर यकीन रही है जो कि फ्रेंच फॉरेन पॉलिसी एलिमेंट्स को अपने न्यूज़ के अंदर एकामोडेट करती थी और स्पेशली उन ममालिक के मतलब न्यूज़ जिनके साथ कोई स्पेशल किस्म के रिलेशन एग्जस्ट करते थे फ्रांस के चाहे वो एनिमी की सूरत में या फ्रेंड की सूरत में तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ जो फ्रेंच गवर्नमेंट है दैट हैड सम ऑन समीज ए एफ पी एज वेल इन द पास्ट अभी भी ये किसी फॉर्म के अंदर शायद हमें नजर आती है स्पेशली वैन इट हैज टू डू समथिंग विद दी वॉर ऑन टेरर स्पेशली वैन इट हैज टू डू समथिंग विद गल्फ वार पर्शन गल्फ वार्क में वहां पर चूंकि देवर एंड मेन फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज एन एल आई टू Uh, the uh, kind of uh, activities that was going on in this region. So, in Hal year, AFP was a natural partner to the activities which were undertaken by the government of France. In this may have a new organization, United Press International, a relatively new organization if you have to compare it with AFP, with Associated Press, or Writer, because this was. Uh, फाउंडेड इन 1907, ओ सेवन उन्नीस सौ सात में ये फाउंड की गई थी यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल का नाम इसको दिया गया है यू पी आई के तौर तो, पर इसको याद किया जाता है एक लीडिंग एजेंसी uh, है जो कि बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पहुंचाती है टू द वेरियस मीडिया आउटलेट्स ऑफ द वर्ल्ड इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब यू पी आई की हम बात करते हैं तो ऑलवेज दिस कम्स इन माइंड दैट दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेरी क्रिटिकल टू द वेरियस इशूज हैपनिंग इन द वर्ल्ड Seemingly, जिसे आप कह सकते हैं जो मुख्तलिफ बिजनेस एक्टिविटीज चल रही है या गवर्नमेंट की एक्टिविटीज चल रही है तो उसमें नजर ये आता है कि जो भी रिपोर्ट जब यू पी आई की तरफ से जा रही होती है तो उसको आमतौर तो पर कैसे किया जाता है कि दिस वुड बी अ लिटल मोर क्रिटिकल देन द न्यूज विच आर कमिंग फ्राम वेरियस अदर सोर्सेज लाइक ए एफ पी ए पी आर राइटर तो एक बड़ी क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको जाना जाता है इट हैज ऑफिसेज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट हैज ऑफिस इन बैरोत इट हैज ऑफिस इन यूनाइटेड स्टेट्स इट हैज ऑफिस इन हॉन्गकॉन्ग इट हैज ऑफिस इन सेल टोक्यो डियागो और लंडन मुख्तलफ दुनिया के हिस्से के अंदर अगर आप देखें तो इनके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ उन रीजनल ऑफिस से ये न्यूज क्लेक्ट करके इन तक पहुँचते हैं आफे और देन दीज आर डिसमिनेटेड टू इट्स हेड तो क्वार्टर्स इन दूनाइट स्टेट्स which washington uh, dc in downtown washington dc its office located here or uh, this is also one of the prominent media organizations that has in fact a very important role to play in providing information over various uh, national international and political and business issues some of the people claim that this is an organization that has uh, you see effects over the policy making of the united states कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन की पॉलिसी मेकिंग पे भी इस आर्गेनाइजेशन के असरा हैं बिकॉज जिस किस्म के क्रिटिकल रिव्यूज़ जिस किस्म के रिसर्च रिपोर्ट्स और जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है वो हेल्प करती है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ स्टेट्स को कि वो अपनी पॉलिसीज इन द लाइन ऑफ द रिपोर्ट्स दैट हैज़ बिन कंडक्टेड हैज़ बिन प्रजेंटेड बाई यू पी आई तो यू पी आई एक बड़ी क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको दुनिया के अंदर जाना जाता है जी डी स्टूडेंट्स मैं आपको एक अगली न्यूज एजेंसी की तरफ लेके जाता हूं जिसको डीपीए के तौर पर जाना जाता है डुशे प्रेस एजेंचर ये इनफैक्ट अ जर्मन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एक लैंग्वेज भी जर्मन ही मोस्टली में ये न्यूज़ मुख्तलिफेशन को दुनिया की प्रोवाइड कर रही है और टेक्स्ट मैसेज न्यूज़ मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर दुनिया को प्रोवाइड कर रही है उसके अलावा अब इन्होंने जो पहले प्राइमरिली एक तरह से आप कह सकते हैं कि जर्मन लैंग्वेज वॉज इनफैक्ट द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन बट नाउ इट इज ट्राइंग टू गिव इंफॉर्मेशन इन अदर लैंग्वेजेज एज वेल लाइक इंग्लिश भी अब इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर स्पेनिश में भी अब ये न्यूज और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इवन अरेबिक में भी ये न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इमेज हो गए ग्राफिक्स हो गए या तस्वीरें या इसके अलावा जो मुख्तु किस्म की रिपोर्ट्स हो सकती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन आप दुनिया के मुख्त मालिक को पहुँचा रही है इसका जो पोर्टफोलियो था वो इनिशियली जिस तरह से पहले शुरू हुआ कि वो न्यूज़ एजेंसी की सूरत में ही अवेलेबल थी अब वो उससे निकल के अब ये मोबाइल सर्विसेज की सूरत में भी जा पहुंची है मल्टी मीडिया की जो सर्विसेज हैं उस पर भी अब इनकी न्यूज़ वगैरह और डिफरेंट मल्टी मीडिया फॉर्मेट्स के अंदर अवेलेबल हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ी डिवेलप सर्विसेज इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप दुनिया को मिलना शुरू हो गई हैं जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर हैं दिस कुड भी यूटिलाइज इन वेरियस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन और मुख्तलिफ जो आउटलेट्स हैं उन पर ये आसानी से प्लेस की जा सकती हैं अनलाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि बड़े आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव स्टाइल के अंदर काम कर रही थी ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा टेक्निकली और ज्यादा टेक्नोलॉजी के आ, को यूज़ कर रही हैं जर्मन बेस्ड हैं और आ, इसकी वजह से एक तरह से बड़े थोड़े टाइम के अंदर ये ऑर्गनाइजेशन जो है वो दुनिया के सामने एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन uh, के तौर पर उभर के सामने आई है लेकिन दिस इज समथिंग ऑफकोर्स लिमिटेशन ऑन पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इट इज़ अनएबल टू रीच टू मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज मेजर इसका फोकस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज रहे हैं ऑल्दो इट हैज स्टार्टेड फोकसिंग ओवर द अरब वर्ल्ड एज वेल बट इट हैज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ इट्स जिसे आप कह सकते हैं डेवलपमेंट का जो ज़्यादातर हिस्सा था इसका वो यूरोप और यूरोप के जो मुख्तफ ममालिक हैं वहाँ तक ही महदूद रहा जिसमें जो मेन लैंग्वेज वहाँ पर जो बोली जा रही थी उनके अंदर ही इसकी रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में जो चीज़ें डेवलप हो रही थी इनकी ऑफिस में पहुँच रही थी इसमें जर्मन है स्पेनिश है और इंग्लिश है फिर लेटली इन लोगों ने अरबिक भी उसके अंदर इनकलूड किया जो कि अरब वर्ड को फोकस कर रही है इस वक्त तो ये जो डी पी ए है ये इनफैक्ट एक जर्मन एजेंसी है and it is trying to come out of germany come out of europe and uh, compete with the international media organization at this point in time but still uh, uh, ye unse ek nah ek lihaz se jo major organization jinko mutalliq main abhi aapko bayan kar chuka hu unme ye abhi tak us level pe nahi aa saki ke inko properly compete kar sake ya a tough time de sake but still this is considered to be you know, one of the leading uh, uh, organization in the world जी स्टूडेंट्स मैं आपको अगली एक एजेंसी की तरफ अब लेके जाता हूँ जिसको जिनहॉ न्यूज़ एजेंसी कहते हैं इनफैक्ट दिस इज एन ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक तरह से आप चाइना की जो बिगेस्ट सेंटर ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अक्रॉस चाइना हॉन्गकॉन्ग और इन इलाकों से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती हैं तो और मुख्तलिफ़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस चाइना के अंदर हो रही होती हैं उनको रिपोर्ट करती है चाइनीज लैंग्वेज इनकी मेन uh, एक तरह से कह सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज है बट इट इज़ नो आल्सो इंक्रीजिंग इट्साइज इट्स रीच एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज इट हैज़ टू रिपोर्ट इन वो भी तादाद इनकी बढ़ाई जा रही है इसके जो मुख्तलिफ़ फ़ॉरन ब्योरोज हैं उनकी तादाद भी अब बढ़ती जा रही है तो ये एक आप कह सकते हैं कि इस वक्त इसके जो फॉरन uh, ब्यूरोज की तादाद है दिस इज रनिंग इन हंड्रेड्स जो पहले बड़े थोड़ी तादाद हुआ करती थी अब वो बहुत ज़्यादा तादाद हो चुकी है जो अभी लेटली जो कुछ फिगर्स आ रहे हैं उसमें नज़र ये आ रहा है कि इट हैज मोर देन वन ट्वेंटी ब्यूरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि पहले एक बड़ी थोड़ी तादाद में पाए जा रहे थे तो जो जिनहा न्यूज़ एजेंसी है जो कि एक ऑफिशियल चैनल ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसकी जो रीच है अब वो दुनिया के मुख्त में बढ़ रही है जिस तरह से चाइना की जो इकोनॉमी है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बढ़ती जा रही है इस तरीके से ये भी उसके साथ साथ दुनिया में मुख्त ममालक में पहुँच रही है और चाइना के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और चाइना से रिलेटेड किसी भी किस्म की न्यूज़ है वो अपने मुल्क तक पहुंचाने के लिए और चाइना की जो किसी भी मुल्क के हवाले से न्यूज़ हो सकती है या एफिलिएशन हो सकती है या कोई एक्टिविटीज हो सकती है वो उन ममालिक के जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं उन तक पहुँचाने के लिए ये न्यूज़ एजेंसीज इन इनफैक्ट इस्तेमाल हो रही है अब ये एक ऐसी एजेंसी के तौर पर सामने नजर आ रही है जो चाइना से एक तरह से बाहर निकल रही है और इसका एक इंटरनेशनल जिसे आप कह सकते हैं स्ट्रेचर डेवलप हो रहा है Although this is lagging behind as compared to the other major agencies of the world, but still it has occupied in terms of its size, in terms of the kind of report it's producing, in terms of its bureaus. ये अब एक बड़ी organisation के तौर पर दुनिया में उभर रही है. हाल बताएँ इसकी reach, इसका influence और इसकी जो critique है ये विभिन्न international events पे हो सकती है. उस रिहास से कम majesties पे आपको चंद एक बड़ी organisations दुनिया के नज़र आती हैं. But still this is an organisation which is वेरी फास्टली प्रोग्रेसिंग अगली न्यूज जिस की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ, उसको रियानोवास्ती कहते हैं इनफैक्ट ये एक रशियन इंफॉर्मेशन एजेंसी है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन रशिया न्यूज एजेंसी के, के तौर पर कंसीडर की जाती है ये इनफैक्ट अगेन एक ऑफिशियल माउथ पीस ऑफ रशिया है जो कि रशियन uh, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैथ्स मीडिया है उसके अंडर ऑपरेट हो रही है रिया का जो हेडक्वार्टर है दिस इज आल्सो बेस्ड इन मास्को एंड इट हैज वेरियस ब्यूरोज अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मोर देन हंड्रेड ऑलमोस्ट हंड्रेड इसके जो ब्यूरोज हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल इवेंट्स सोशल कल्चरल या इसके अलावा जो बिजनेस इवेंट्स हो सकते हैं वो आपको uh, इस एजेंसी के जो ब्यूरोज हैं वो फोकस करते हुए नजर आते हैं ये एनालिसिस भी पेश करती है रिपोर्ट्स भी ये एजेंसी पेश करती है साइंटिफिक फाइनेंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी ये ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है और मेनली इंटरनेट पे भी ये अपनी न्यूज़ जो भी इंफॉर्मेशन के पास आ रही है वो इंटरनेट पे भी प्लेस करते हैं व या ई मेल्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को ये न्यूज़ भिजवा रहे होते हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि रशिया की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है वो इनफैक्ट यही रशियन इंफॉर्मेशन एजेंसी कंसीडर की जाती है ये मुख्तलिफ जो पॉलिसी मैटर्स हैं या गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं या गवर्नमेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं उनके मुतलिक रिपोर्ट्स हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंसी दिस इज रीचिंग टू द वेरियस मीडिया आउटलेट्स ऑफ द वर्ल्ड और आ, आ, इनके मुख्तलिफ ब्यूरो की वजह से जो रशिया से रिलेटेड जो न्यूज हो सकती हैं वो रशिया में भी पहुँच रही होती हैं और अपने मुल्क के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन तक डिसमिनेट हो रही होती हैं विद द हेल्प ऑफ रशियन इंफॉर्मेशन एजेंसी अगली न्यूज़ एजेंसी जिससे मैं आपको मुतारफ़ाने के लिए जा रहा हूँ उसको इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी के नाम से याद जात किया जाता है इंटरफैक्स इज अगेन अ रशियन न्यूज़ एजेंसी बट दिस इज नॉट इन फैक्ट द ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ऑफ रशियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैस मीडिया ब्रदर दिस इज इनफैक्ट नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के तौर पर इसको लिया जाता है इसकी अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी uh, है एक इंडिपेंडेंट इसकी अपनी ओपिनियन है इंटरफैक्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर कंट्रोल रखती है इस ग्रुप के तहत मोर दैन थर्टी कंपनीज जो इसके अलावा भी हैं वो भी काम कर रही हैं बख्तलिफ ब्रांचेज हैं इनकी मुख्तलिफनिया के हिस्सों में और जो जर्नलिस्ट हैं दे आर इन थाउजेंड्स वर्किंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी दुनिया के मुख्तलिफ़ के जो इवेंट्स हैं उनको रिपोर्ट करती है मुख्तलिफ लैंग्वेज़ के अंदर जिसमें रशियन भी अवेलेबल है जिसमें इंग्लिश भी है एंड सम ऑफ द अदर लैंग्वेजेज इंटरनेशनल लैंग्वेज वो उनमें इन रिपोर्ट्स को ट्रांसलेट करके दुनिया के मुख्तफ मीडिया आउटलेट्स को मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसमिट करती है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इस रीजन से जिसको हम रशिया कहते हैं वहां से उभर रही है तो रशिया से अगर आप दुनिया की जो टॉप लीडिंग न्यूज एजेंसीज में अगर आप देखें तो वन इज देयर ऑफिशियल न्यूज एजेंसी जिसको रशियन इंफॉर्मेशन एजेंसी कहा जाता है एक वो नजर आती है हमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है और दूसरी यहाँ से एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी की सूरत में हमें नजर आती है तो टू मेजर आर ऑर्गेनाइजेशनफैक्ट एमटिंग आर हैविंग एन ऑरिजिन फ्रॉम वन कंट्री एंड दैट इज रशिया और फॉल ऑफ जिसे आप कह सकते हैं कि कम्युनिज्म के बाद uh, इस किस्म की स्पेस के इस किस्म की एजेंसी इस मुल्क के अंदर डिवेलप uh, हो सके उसकी बढ़ने की वजह से ही जो स्पेस पैदा हुई है उस स्पेस में इस किस्म की एजेंसीज ने जन्म लिया है और आज दुनिया के अंदर आप uh, कह सकते हैं कि uh, बड़ी तेजी से प्रोग्रेस करती हुई ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में सामने आ चुकी हैं, तो ये एक आ, और न्यूज एजेंसी थी जो कि अगेन रशिया से ऑपरेट करती हुई हमें नजर आ रही है ये स्टूडेंट्स में आपको आगे ले जाता हूं प्रेस एसोसिएशन की तरफ लेके जाता हूं प्रेस एसोसिएशन इज नेशनल न्यूज एजेंसी इनफैक्ट दिस इज नॉट ए सच अ बिग इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी दैट इज प्राइमरली बेस्ड इन द यूके और जो आयरलैंड यूके और इनके जो और ऐसे रीजनस हैं उन तक ही इनका मेनली कंट्रोल है टेक्स्ट इन फैक्ट मोस्टली दुनिया के मुख्तलिफ़ रीजनस को भिजवा रही हैं बहुत बड़े इनके ब्यरोज़ और ऑफिस नहीं हैं ये तकरीबन नेशनल लेवल पे और यूरोप के जो रिलेटेड कंटेंट्स हैं या मुख्तलफ़ इवेंट्स हो रहे हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेस पॉलिटिक्स कल्चरल सोशल इन तमाम चीज़ों पर online bhi information provide hain and these are freely distributed all across the world if you want to pick any piece of information from the site of this news agency you can very easily take it up or uh, scope publish it. but one thing is very interesting that this, is, you know, this uh, news uh, organization has uh, mostly been focusing on the issues and politics and sports and business related to uk and ireland only हालांकि अगर इसकी अगर आप बर्थ को अगर आप देखें तो दिस वॉज फाउंडेड इन 1868 सिक्सटी एट आई मीन दिस इज अ वेरी ओल्ड न्यूज एजेंसी दैट इज ऑपरेटिंग विद इन यूनाइटेड किंगडम विद इन द यूके लेकिन इसका जो फोकस है वो इंटरनेशनलाइज मोस्टली आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा बड़ी फेयर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पर ये जानी जाती है इसको आप कह सकते हैं कि बाज जगहों पे इसकी रेपुटेशन एक तरह से बहुत ही अथेंटिक रिपोर्ट्स की फॉर्म में नजर आती है कि जब भी आप रिपोर्ट्स के हवाले से देखेंगे कि कोई अगर किसी खास इवेंट पे अगर रिपोर्ट आई है तो देर इज अ काइंड ऑफ डाउट अवेलेबल ऑन दैट काइंड ऑफ रिपोर्ट पीपल मोस्टली इंक्लाइन टू सी दैट वर्ट प्रेस एसोसिएशन इज सेंग ऑन दिस सब्जेक्ट तो एक तरह से जो बहुत ही बड़ी लीडिंग इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स पे भी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेपुटेशन दैट इज इन ज्वाइंग being the truthful organization, being the organization that has, um, uh, you see, a greater degree of fairness in reporting events. so uspe, jata hai ki jo press association, report so being a, being a smaller organization as compared to the big media conglomerates, it has been enjoying since long a very good reputation in terms of uh, reporting on events in a free and uh, objective manner. अगली न्यूज एजेंसी जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं उसको यूरोपा प्रेस कहा जाता है ईपी के तौर पर जानी जाती है इनफैक्ट दिस इज अ स्पेनिश न्यूज एजेंसी जो कि एक प्राइवेटली हेल्ड न्यूज एजेंसी है सम टाइम इन 1957 इट वाज फाउंडेड इन स्पेन एंड इट हैज इट्स हेड हेडक्वार्टर्स इन मेड्रिड अब ये न्यूज एजेंसी भी इनफैक्ट एक एक ऐसी न्यूज एजेंसी के तौर पर हमारे सामने नजर आ रही है जो कि कंटेम्प्रेरी इशूज़ को फोकस करती है पॉलिटिक्स रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हो सकती है वो प्रोवाइड कर रही है बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है तो मुख्तलिफ़ की इंफॉर्मेशन जो हो सकती है वो इस एजेंसी के थ्रू दुनिया तक पहुँच रही हैं मैं इसमें इंटरेस्टिंग आपको ये बताऊँ कि ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि यूरोपा प्रेस के नाम से जो अवेलेबल है इसमें भी इसके फिर ब्यूरोज हैं जो फोकस करते हुए हैं इंस्टेंस यूरोपो प्रेस न टीशिया यूरोपो प्रेस टेलीविजन यूरोपो प्रेस रिपोर्टिया यूरोपो प्रेस कम्युनिकेशन यूरोपन प्रेस इंटरनेट इस तरीके से डॉट uh, नेट भी अवेलेबल है तो इनफैक्ट इसके जो वेरियस ब्यूरोज और जो वेरियस सेक्शन हैं कोई टेलीविजन से रिलेटेड है कोई न्यूज से रिलेटेड है कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कोई डिप्लोमेसी से रिलेटेड है तो इनफैक्ट ये सारे के सारे बड़े स्पेशलाइज फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं हम अगर आमतौर पर देखते हैं तो कोर्स देर आर सर्टन यूनिट्स अवेलेबल विद इन अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन डीलिंग विद इश्यूज रिलेटेड टू पर्टिकुलर सेगमेंट लेकिन यहाँ पर इन्होंने उनके नाम भी एक तरह से कर दिए हैं कि जिसमें यूरोपा प्रेस और फिर उसके आगे वो जिस एरिए पे फोकस कर रहे हैं उस एरिए को उसके साथ टैग किया गया है वो टेलीविजन के हैं तो उस हवाले से वो इन्वेस्टिगेशन के हैं तो उसका नाम इन्वेस्टिगेशन के हवाले से होगा वो कम्युनिकेशन इंटरनेट या इसके अलावा कोई भी और जो उनका एरिया ऑफ फोकस है तो यूरोपो प्रेस एक तरह से यूरोप के मेनली इलाकों को और उनके मतलब जो न्यूज़ आइटम्स हैं वो चाहे किसी भी सेगमेंट के हों किसी भी टाइप के हों चाहे वो इंफॉर्मेशन है एंटरटेनमेंट है या पॉलिटी है तो उनके हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो ये ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है एंड इन पार्ट्स ऑफ यूरोप उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है तो दिस इज इन फैक्ट अ प्राइवेटली ओन्ड मीडिया ऑर्गनाइजेशन हैविंग इट्स हेड क्वार्टर इन मैड्रिड ऑपरेट कर रही है एज अ न्यूज एजेंसी जी डियर स्टूडेंट्स मैं अब uh, इन जो एजेंसीज था इनका एक छोटा सा ब्रीफ आपको पेश किया और इसमें मैंने उन एजेंसीज को जो दुनिया के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसीज के तौर पर नजर आ रही हैं उनका एक तरह से आपको ब्रीफ पेश करने की कोशिश की है आ, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो एरिया जिसके अंदर हम लोकेटेड हैं आई मीन एशिया तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर चाइना से तो कोई एक न्यूज़ एजेंसी नजर आती है मैं जिनहा न्यूज़ एजेंसी की बात कर रहा हूँ जो दुनिया की जो टॉप रैंकिंग टेन न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़ सोर्सेज हैं उसमें शायद लिस्ट होती हुई नजर आ रही है लेकिन आ, आ, पाकिस्तान या इसके साथ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ से इतने बड़े बड़े ममालिक होने के बावजूद भी यहाँ पे हमारी वो कोई एक एजेंसी डेवलप नहीं हो पाई जो दुनिया की इस किस्म की रेस में हिस्सा ले पा रही हो और उन टॉप टेन टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर उसका शुमार हो सके तो एनी हाउ मैं अब आपको लेके जाता हूँ एक केस स्टडी की के तरफ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल गिव यू सम वेरी रिवीलिंग डिटेल्स ऑन देम एंड दैट इज़ सी एन एन जो कि के केबल न्यूज़ नेटवर्क की सूरत में जानी जाती है एक यू एस केबल न्यूज़ नेटवर्क है एक सेटेलाइट टेलीविजन है मैं उसके हवाले से आपको कुछ डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा और इसकी डिटेल्स जब मैं आपको दे रहा हूँ तो इसमें वो जो एक तरह से उसकी टाइम लाइन जिस तरीके से वो डेवलप हुआ है ये भी आपको इसको साथ साथ दूंगा और फिर जो रोल वेरियस मल्टीपल रोल्स इट हैज़ बीन प्लेइंग इन द पास्ट एंड राइट नाउ उसके हवाले से भी आपको बात करूंगा और फिर साथ साथ ये कि क्या इसका फ्यूचर हमें नजर आता है वट रोल इट विल बी प्लेंग इन फ्यूचर वट काइंड ऑफ ऑर्गुनाशन इट विल अपीयर टू बी इन फ्यूचर उस हवाले से अभी हम थोड़ी सी बात इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से करेंगे आ, जो सबसे अहम बात है वो यहां पर वो ये है कि जो सी एन एन है इन फैक्ट दिस इज नो मोर जस्ट अ टी वी चैनल इट इज इन फैक्ट अ बिग न्यूज ऑर्गनाइजेशन दैट हैज अज एजेंसी इट इज नॉट सिंपली प्रोवाइडिंग न्यूज टू इट्स ऑडियंस नख्तलि और मीडिया ऑर्गनाइजन को भी न्यूज प्रोवाइड कर रही है एक तरह से इसकी पॉलिसी मेकिंग में भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है तो एक ऑल इनकम जिसका पॉलिटिक्स के अंदर भी रोल है जिसका डिप्लोमेसी के अंदर भी रोल है यूएस फॉरेन पॉलिसी में अपना रोल प्ले कर रही है मुख्तलिफ ममालिक के जो गवर्नमेंट्स हैं उनके हवाले से भी इसकी अपनी से है और उनके हवाले से भी एक ओपिनियन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रखती है और उनको हटाने और उनको ले आने में ये अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू अपना रोल प्ले करती रहती है So in fact, uh, this has you now grown up beyond uh, a, a media organization which has the primary responsibility of simply disseminating information about which it knows and uh, it has details about. Rather, it has gone somehow beyond that limits media organizations. So let's have a look at its development uh, as a media institution. Ted Turner, he is, in fact, or he was the one who founded this organization sometime in 1980. एक अमेरिकन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और टेट टर्नर इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि ही वॉज द वन हु इनिशिएटेड सी एन एन केबल न्यूज नेटवर्क सी एन एन न्यूज नेटवर्क जब फर्स्ट टाइम लॉन्च किया जा रहा था तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिस वॉज एट दैट टाइम द फर्स्ट टेलीविजन चैनल विच वॉज इनफैक्ट द न्यूज नेटवर्क चैनल प्रोवाइडिंग ट्वेंटी फोर सेवन ट्रांसमिशन टू द वर्ल्ड और एक तरह से न्यूज कवरेज जो थी उसकी

तो इट हैज़ इनफैक्ट ब्योरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो डोमेस्टिक इनके ब्यूरोज हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है और जो मुख्तफ दुनिया के और ममालिक के अंदर इसके ब्यूरोज काम कर रहे हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है तो इन फैक्ट जो टेड टर्नर है ही वाज द की एंड ही वाज द पर्सन हु फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट वाज प्राइमरली फोकसड ऑन द पोलिटिकल न्यूज़ और उसके हवाले से एक ट्वेंटी फोर सेवन मीडिया चैनल का आगाज हुआ था एक बहुत बड़ी बिगिनिंग थी इन नाइनटीन जो यहाँ पे शुरू होती है और फिर उसके बाद आज जिस फॉर्म के अंदर चीजें नजर आती हैं इनफैक्ट दीज आर इन फैक्ट सपोज फॉलो दी एन एन जो लाइन सी एन एन ने सेट की थी 1980 में बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उन लाइन्स को इस वक्त फॉलो करती हुई नजर आ रही हैं मैं एग्जैक्ट टाइम की तरफ आपको लेके जाता हूँ और वो इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके सामने पेश करता हूँ जो फर्स्ट टाइम सी एन एन की जो पहली एक तरह से जो न्यूज कास्ट हुई थी दैट वॉज एट फाइव ओ क्लाक फाइव पी एम इन दूनइटेड स्टेट टाइम एंड दैट वॉज संडे जून फर्स्ट नाइनटीन एटी तो ये पहली ब्रॉडकास्ट थी जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सी एन एन की जो बिगिनिंग हो रही थी उसमें ये थी अब इंटरेस्टिंग बात यह कि हु हु आर दोज आर मेकिंग दिस इवेंट हैपनिंग हु हैर प्लेइंग रोल ओवर देयर तो जो पहला इसकी ब्रॉडकास्ट थी इस पर फर्स्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन था That was given by Ted Turner, and uh, Ted Turner ne ek se is organization introduced this organization to the world on June 1st, 1980 at 5 o'clock in the evening. And after a couple, uh, joke David Walker and Louis Hart, they were then the anchor, and they started reporting the news events. report channel, इस रिपोर्ट को डिलीवर कर रहे थे थ्रू आउट द वर्ल्ड और इनसे पहले जो टेट टर्नर था वो इस ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करा चुका था दुनिया के सामने तो इनफैक्ट दैट इज कंसीडर टू बी दी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सी एन एन एंड द डिवेलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल दैट हैज ट्वेंटी फोर सेवन ट्रांसमिशन और दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वो अपीयर हुई थी तो दिस वॉज इनफैक्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत मोनमेंटल uh, इवेंट की तरफ इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो मानोमेंटल और बहुत ज्यादा आप uh, कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस का हामिल है ये इवेंट उसकी तरफ मैं अभी आपको लेके जाता हूँ कि दिस वाज मे uh, 1989 व्हेन नाइन गोरबा विजिटिंग चाइना और वहाँ पर बर्नाड शाह जो कि एक रिपोर्टर ऑफ सी था ही वॉज वर्किंग ओवर दैन एंड ही वॉज इंटरव्यूंग गोरबा ओवर देर इन 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 सम ओपन प्लेस इन बीजिंग वहाँ पर इसकी जो अरेंजमेंट्स थी वो ओपन इंटरव्यू के हवाले से गुरबा चौफ के इस नुमाइंदे की बर्नाड शाह की वो वो एक्टिविटीज़ उस वक्त शुरू थी और ये इनफैक्ट वो वक्त था कि जब त्यानमैन में, में एक तरह से एक बहुत बड़ा जो चाइना के अंदर एक कन्फेंट्रेशन थी बिटवीन द फोर्स दोज हुर अगेंस्ट दमेंट दे इनफैक्ट गॉट टूगैदर and then they had a very big scuffle with the government authorities, and there were hundreds of the people, those who have, who have been killed. Uh, Tiananmen square man square, pogo, a big fight with your boss, is aggressive campaign, a campaign of mutiny against the government of china. usko krashkiyagata, and hundreds of the people were killed over there. to bernard shaw usvagta, reporting, और वो गौरबा चौफ के इवेंट को कवर कर रहा था तो ही हैड लकली चांस टू कवर दैट इवेंट और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो उस वक्त जो कुछ भी वहां पे हो रहा था वो सारा का सारा दुनिया के सामने इस मीडिया के थ्रू जिसको हम सी एन एन कहते हैं द होल वर्ल्ड वॉज इनफैक्ट विटनेसिंग दैट इवेंट एंड दिस वॉज गोइंग ऑल लाइव तो दिस वॉज इनफैक्ट वेरी डिवर्स स्टेटिंग फॉर द चाइना गवर्नमेंट बिकॉज इट कंट्रोल द होल इंटरनेशनल मीडिया टू कम इन टू दैट एरिया where this event was in fact happening or even the national media was not allowed to cover that event but uh, they had a chance i mean the bernard shah and his team he had an opportunity to cover that event for the world and that was uh, uh, going on air throughout the world uh, on the channel uh, jo CNN ki, even some of the uh, presidents they were saying that they were live uh, watching these reports which were coming on cnn for instance u.s president वो ओपनली ये बात किसी एक इंटरव्यू में कह चुका है कि जब चाइना के अंदर ये सारा का सारा सिलसिला चल रहा था तो मैं सी uh, के थ्रू इस इवेंट को लाइव देख रहा था तो इनफैक्ट ये एक uh, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इपाकल इवेंट था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी एन एन वेयर सी एन एन वॉज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिस इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड और फिर उसके बाद तो इसे आप कह सकते हैं एक नॉन स्टॉप जिसे आप कह सकते हैं कि डिवलपमेंट uh, uh, का प्रोसेस शुरू हुआ फिर तो उसके बाद जो पर्शन गल्फ वॉर थी वो फर्दर इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सिग्निफिकेंस थी इसकी जो इम्पोर्टेंस थी दुनिया के अंदर उसको बढ़ाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया बट ये जो चाइना के अंदर जो एक इवेंट हुआ था ये एक मोनूमेंटल इवेंट था एक आइस ब्रेकिंग किस्म की रिपोर्टिंग थी जो कि सी एन एन ने की और पूरी दुनिया ने उसको देखी एंड देर वॉज नथिंग पैरल टू दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम in the whole world that the CNN was doing while it was reporting the Tiananmen uh, massacre, usko aap keh sakte hain, ya jo event Tiananmen mein hua tha, China mein, usko CNN jab cover kar raha tha, to puri dunia ka media us waq is hawale se koi report nahi de raha tha, and CNN was in fact showing that thing live. मैं आगे आपको ले जाता हूं और Persian Gulf war की तरफ आपको लेके जाता हूं जिसको CNN ने बड़ा heavily cover किया This war began on August. और सी एन एन इसको फ्रॉम इट्स वेरी बिगेनिंग फ्रॉम इट्स वेरी स्टार्टड कवरिंग द गल्फ वार वो एक आप कह सकते हैं कि अगेन एक तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि इनके मेजर जो सोर्सेस थे वो यू एन फोर्सेज साथ फ्रंट लाइन पे थे वर रिसीविंग ऑल द पॉसिबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यू एस फोर्सेज एंड देन कन्वेइंग दोज इंफॉर्मेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सी एन एन there were a lot many journalists those uh, which were embedded with the us forces or uh, bahut journalists cnn ke bhi the jo ke embedded kiye gaye the us forces ke were the jo in mukhtalif events ko jo cover ho rahe the duniya ke andar unko cover kar the aur, uh, jo ke taray, hain, ke leaders the, they were in fact uh, receiving the reports about the persian gulf through cnn i mean their own sources were unable to work in those regions while CNN was in fact becoming the eyes and ears of the whole world that were keep on looking at what's going on in this part of the world, American forces or Iraq may kya koch un sub ko CNN bade effectively cover karradha. Or uh, United States can there be? There were a lot many, you see, very important people like George uh, Bush, ho gaya ya Saddam Hussein. So they were also watching the reports uh, of Gulf War. थ्रू सी एन एन तो सी एन एन जो है वो एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर सामने आ रही थी विद द हेल्प ऑफ विच द होल वर्ल्ड वॉज इन फैक्ट एबल टू अंडरस्टैंड वॉस गोइंग ऑन इन दॉर इन गल्फ और दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि सी एन एन वॉज इन फैक्ट इंटरप्रेटिंग द वॉर फॉर द वर्ल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप कह सकते हैं कि दैट वॉज ऑन द शोल्डर ऑफ सी एन एन उसकी रिपोर्टर्स पर था जो पूरी दुनिया को उसके जो वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो लाइव दिखा रहे थे एंड एंड यू सी दैट वॉज नॉट सिंपली द काइंड ऑफ एट्रोसिटीज दैट वॉज गोइंग ऑन देयर इन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे वर इनफैक्ट एम्बेडेड विद द अमेरिकन फोर्सेज ओवर देयर वो वहाँ पर भी मौजूद थे जहाँ पर अमेरिकन फोर्सेज की बड़ी सीक्रेट और बड़ी आप कह सकते हैं कि क्लोज uh, 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 जो एरियाज थे जहाँ पर बड़े स्पेशल आप कह सकते हैं कि परमिशन के साथ जाया जा सकता था तो दी रिपोर्टर्स फ्रॉम सी एन एन वल्सो देयर Participating in the whole war that was waged by the American forces against Iraq. CNN 2 came in a channel after some time. This was in 1982, 1st January, if I have to quote you the exact date. CNN 2 was launched. In fact, this was a sort of a headline channel, which was launched 24 hours, mein, aap sakte hai, 30 minutes. ये कंसीडर किया जाने लगा जिस तरीके से हम आजकल मुख्तफ और चैनल्स को भी देखते हैं जो सिर्फ सिर्फ हेडलाइंस दे रहे हैं तो सी एन एन टू वॉज इन फैक्ट अ सट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द सी एन एन हेड क्वार्टर्स टू हैव ऑर्गनाइजेशन अ डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन ऑफकोर्स द वर्किंग अंडर द गाइडलाइन ऑफ द सेम ऑर्गनाइजेशन बट इट इज सपोज टू प्रोवाइड नॉट द डिटेल न्यूज इफ यू हैव टू वॉच द डिटेल न्यूज दैन यू शिफ्ट टू द मेन सी एन एन चैनल बट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच ओनली देडलाइंस द सी एन एन टू इज ऑल्सो अवेलेबल विद यू जिसको उन्होंने फिर बाद में सी एन एन हेडलाइन न्यूज का नाम भी दिया और इसको फिर बाद में एच एल एन के नाम से भी दुनिया के अंदर जाने लगा जिसका प्राइमरली फोकस जो था वो इनफैक्ट लाइव न्यूज़ कवरेज था बट ओनली द हेडलाइंस वर देअर ओनली द वेरी स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी वो दुनिया के सामने पहुंचाई जा रही थी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए फिर जो सी एन एन का मेन चैनल था उस पर प्रोवाइड की जा रही थी पीपल यूज टू शिफ्ट ओवर देयर सी एन एन एच डी भी फिर लेटर शुरू हुआ और दिस वॉज इन टू थाउजेंड सेवन सेप्टंबर टू थाउजेंड सेवन टू बी प्रिसाइज जहां पे हाई डेंसिटी जो फिल्म थी या हाई डेंसिटी की जो ट्रांसमिशन थी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नॉर्मल कैमरा बड़ी रिफाइंड पिक्चर्स जो हैं वो इसके थ्रू uh, uh, प्रोवाइड की जा रही थी दुनिया को चाहे वो वार के हवाले से है या पोलिटिकल न्यूज के हवाले से है तो ये जो हाई डेंसिटी ट्रांसमिशन थी इसके लिए आपको डेफिनेटली बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जहां से आपको ट्रांसमिट हो रही हैं आपकी तस्वीरें वगैरह और पूरी की पूरी ट्रांसमिशन उसके लिए भी आपको बड़ी फास्ट स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स या उससे भी कोई एडवांस लेवल की चीज़ें आपको चाहिए होती हैं इस किस्म की ट्रांसमिशन के लिए तो हाई डेंसिटी जो सी था दिस वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ऑन इन टू सितंबर को इसके अलावा सी एन एंड फिल्म के नाम से भी एक तरह से एक नया चैनल शुरू किया गया जहाँ पर जो है वो जिनका प्राइमरली जो काम था वो डॉक्यूमेंट्रीज़ और वो फिल्म दिखाना जो वॉर रिलेटेड हो सकती हैं जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो सकती हैं या जिनकी इन्वेस्टिगेशन बेस्ड जो चीज़ें थी वो सारी, सारी CNN के सारी सी एन एंड फिल्म के थ्रू पर प्रोवाइड की जा रही होती थी तो ये फीचर फिल्म हो गई या डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई या इसके अलावा जो उनकी अपनी जो प्रोड्यूस्ड मूवीज़ थी उनको सी एन एंड फिल्म के थ्रू पेश किया गया एन सी एन एन फिल्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड आर इट वॉज फाउंडेड इन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेल्व जिस मैं आपको आगे ले जाता हूँ और एक एरोनियस न्यूज आ, के हवाले से भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जिस वॉज समाइम इन जून 1998 जब एक एरोनियस न्यूज़ जो कि एक आप कह सकते हैं कि गलत रिपोर्ट हो गई थी सी एन एन की ऑफिस से उसके मुख्तलिफ चैनल्स पर रिपोर्ट हो गई थी एंड देट वॉज आल्सो कैरिड बाई टाइम मैगजीन एज वेल और फिर बाद में उसको चैलेंज भी किया गया था इनफैक्ट दिस न्यूज वॉज रिलेटेड टू द यू एस रॉन्ग यू एस एक्टिविटीज इन द वियतनाम वॉर के जो बेसलेस थी जिस पे इनके पास कोई एक्यूरेट एविडेंस अवेलेबल नहीं था बट इवन देन दिस रिपोर्ट वॉज प्लेड अप ऑन टेलीविजन एंड देन इट वॉज कैरिड आउट बाई सम अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल और टाइम ने भी इसको कैरी कर था इस तो था 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 लिया था इस न्यूज को तो लेटर ऑन दिस वाज चैलेंज एंड फाउंड टू बी अ बेसलेस स्टोरी व्हिच वाज गिवन बाय सीएनएन टू द वेरियस मीडिया आउटलेट्स इन द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स इट वाज प्लेड ऑन द सीएनएन चैनल एज वेल तो जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और जब ये पाया गया कि ये रिपोर्ट एरोनियस है तो सी हैड टू एक्सक्यूज फॉर दैट एंड दोज जर्नलिस्ट वैट वर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ दैट न्यूज दे वर डिस्मिस्ड एंड देवर टेकन अवे फ्रॉम दी ऑर्गनाइजेशन तो एट टाइम्स इट हैपन्स के जब मीडिया uh, पर कोई रिपोर्ट ऐसे चल रही होती है तो उसमें हो सकता है कि कुछ इस किस्म की एरानियस चीजें भी आ जाए गलती कामाल भी उसमें हो सकता है और यकीन इस किस्म के कोई ब्लैक शिप्स भी हो सकते हैं जो एक खास किस्म की ओपिनियन जनरेट करने के लिए बेसलेस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर रहे हो so media organizations are supposed to be very vigilant on these kind of activities so that uh, they should not face this kind of terrible time when somebody is there to uh, pressurize them to, to uh, uh, apologize on the kind of news that they have conveyed. so cnn also had to suffer. but this was something which, uh, which was in fact uh, uh, considered to be a world issue. जहां पर यूएस गवर्नमेंट वॉज इनफैक्ट इन्वॉल्व और उस पर फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को अपॉलोजाइज करना पड़ा था मैं इसके साथ साथ एक और बात भी आपको कहना चाहूंगा कि सी एन एन एफेक्ट्स ये उसकी इनफैक्ट जो है ना जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसकी वजह से ये जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन डेवेलप हुई हैं सी एन एन एफेक्ट्स की उसके बारे से मैं आपको ले जाना चाहूंगा क्योंकि सी एन एन ओवर द लास्ट मोर देन टू डेकेड दिस हैज फाउंड टू बी अ वेरी इफेक्टिव गेनाइजेशन जो कि दुनिया की गवर्नमेंट्स को पॉलिटिक्स को अफेयर्स को इनफैक्ट एड्रेस कर रही है और उसके मुतालिकन दे रही है एंड दैट इज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज एजेंट एज वेल इट हैज बिन नाउ थ्योराइज जिसको उन्होंने एक पोलिटिकल साइंस की एक थ्योरी के तौर पर यह चीज सामने आई है जिसको सी एन एन एफेक्ट्स की सूरत में दिया जा रहा है कि सी एन एन जिन चीजों पर फोकस करता है जिन चीजों को कवर करता है वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं होती वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती इट हैज बेरिंग्स एंड इट हैज यू कैन से द इफेक्ट्स ओवर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकता है जो पॉलिसीज को चेंज भी कर सकता है जो कांग्रेस को यूएस कांग्रेस को फोर्स भी कर सकता है कि वो अपनी पॉलिसीज को इन द लाइन ऑफ द डिस्कशन एंड द रिपोर्ट्स दैट द सी एन एन हैज प्रोड्यूस्ड एंड डिलीवर्ड उन लाइन्स पे बेस करते हुए अपनी पॉलिसीज को वजह करें उनको लेजिस्लेट करें तो इसको सी एन एन एफेक्ट्स के नाम से एक थ्यूरी के तौर पर भी याद किया जा, जा किया जा रहा है जो एक मॉडर्न अप्रोच uh, के तौर पर इन जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है उसमें सी एन एन एफेक्ट्स के नाम से uh, भी इसको जाना जाता है तो ये इंडिकेट करती है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हम आमतौर तो पर मीडिया के इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा उसकी थ्यूरी और उसके मतलब जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं उनको डिस्कस करते हैं बट दिस इज प्रॉब्ली वेरी यूनिक जिसमें आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई थ्योरी की बात करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी चीज अपीयर होती है इनके चैनल से जो चीज अपीयर होती है या इस का फोकस जिस जिस, जिस तरीके से होता है ये एक बड़ी यूनिक सी जिसे आप कह सकते हैं अप्रोच है या एक यूनिक सी डेवलपमेंट है दैट यू कैन सी ओनली इन द केस ऑफ सी एन एन जी डियर स्टूडेंट्स मैं आ, आ, इन बातों के साथ जिसमें हमने आज ये देखने की कोशिश की जो एक ग्लोबल न्यूज़ इन और इन्फॉर्मेशन हमारे पास एजेंसीज़ हैं उन पे हमने एक थोड़ी सी नज़र डाली उसमें हमने सी को देखने की कोशिश की कि सी हमारे पास किस फॉर्म में डेवलप हुआ आज सी हमारे पास सी एन की सूरत में भी अवेलेबल है सी एन केबल टी की सूरत में भी अवेलेबल है सी एन स्पोर्ट्स की सूरत में भी अवेलेबल है सी एन एन मुख्तलिफ और लैंग्वेजेस की फॉर्म में भी अवेलेबल है तो सी एन एन एक डॉट कॉम इंडस्ट्रीज की फॉर्म में भी अवेलेबल है तो इसको एज ए केस स्टडी में हमने लेने की कोशिश की कि एक बहुत बड़े मेजर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में ये किस तरह से पेर हुआ किन मुख्तलिफ से गुजरा और आज मुख्तफ मल्टीपल चैनल्स की सूरत में नजर आ रहा है जो कि उन तमाम डिस्कशंस को जो हम इसकी इससे पहले कर चुके हैं वो अकोमोडेट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं इन डिस्कशन और इन आर्गूमेंट्स के साथ मैं आज के लेक्चर का अख्ताम करता हूँ अगली क्लास तक के लिए इजाजत अल्लाह हाफिज